कटक में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मुकाबला या यू कहें साल का आखिरी मुकाबला। साल 2019 भारत के लिए कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें लेकर आया और अब भारतीय टीम तो यही चाहेगा कि मीठी यादों के साथ इस साल का समापन किया जाए। लेकिन थोड़ी परेशानी भारतीय टीम के लिए है कि कटक उन मैदानों में से एक है जहां पर भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली वहां पर थोड़ा सा रन बनाने में अक्सर चूक जाया करते हैं। वहीं अगर हम बात भारतीय टीम के प्रदर्शन की करें तो ओवरऑल प्रदर्शन भारतीय टीम का कटक के मैदान पर बेहद शानदार रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम की तैयारी कैसी है, वेस्ट इंडीज को आखिरी मैच में हराने के लिए भारतीय टीम को क्या कुछ करना पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ प्रशांत हैं। और राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। दूसरा मैच भारतीय टीम के लिए डू एंड डाई हो गया और अब तीसरा मैच भी डू एंड डाई है और हमेशा कहा जाता है कि साल के आखिरी मैच को अगर आप जीते तो आप जिस तरह से साल को शुरू करते हैं उसी तरह से साल को आप खत्म करना चाहेंगे और विराट के जहन में ये होगा कि साल का आखिरी मैच है। बिल्कुल राजीव, और ये श्रृंखला का निर्णायक मैच है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है इस करके भी क्योंकि पहला एक मैच हम हारे थे, कमबैक किया भारत ने और अब श्रीलंका ये सीरीज जीतना चाहेंगे विराट कोहली। और जरूरी भी है कि आप एक अच्छे नोट पर वर्ष का अंत करें कि आप एक अच्छी सीरीज जीतें क्योंकि वेस्टइंडीज जैसे पहले लग रहा था कि शायद इतनी अच्छी टीम नहीं होगी, लेकिन इस फॉर्मेट में जितनी अच्छे शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने तो भारत को बहुत जो करना रहना होगा, सावधान रहना होगा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी तभी हम ये सीरीज जीत पाएंगे। और कटक का मैदान वैसे भी टॉप ऑर्डर के हमारे जो बैट्समैन है प्रशांत उनको रास दिया था, वो भी आंकड़े देख रहे थे और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े कि विराट चार मैचेस में रन नहीं बना पाए और रोहित शर्मा के दो मैचों में कुल 70 रन है, 80 रन है जडेजा और रोहित ऐसे बल्लेबाज जिनके 50 से ज्यादा। हां, इस टीम में, इस टीम में पूरी टीम की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा हैरान आपको कर रहा है ये रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड सुधारना भी चाहेंगे विराट इनकम सर? बिल्कुल सर, विराट कोहली कैसे बल्लेबाज है जो रन ले लेते हैं वो करके छोड़ देते हैं, वो दो बड़े मैचों की बात हो, खराब प्रदर्शन रहा, पिछले में 0 पे आउट हुए, लेकिन सर वो शायद जब वो आउट होते हैं तो वो अगले मैच की प्रिपरेशन कर लेते हैं और सर वो हर उनके हर ग्राउंड पे देखा रिकॉर्ड अच्छे, तो कटक में भी सर साल का एंड ऐसे ही शानदार करना चाहिए। एक चीज मेरे को राजकुमार सर से पूछनी थी सर, उस वक्त मतलब जब विराट 0 पे आउट होते हैं तो उनके बाद आपकी क्या बातचीत होती है, माइंडसेट क्या होता है उनका, वो क्या बोलते हैं कि सर अब ये गलती शायद मैं ना दोहराऊं या कुछ ऐसी प्लानिंग बनाऊं कि मैं रन बना लूं? नहीं देखिए प्रशांत, अभी वो थोड़ा मैच्योर हो गए हैं और समझते हैं कि वो भी इंसान है तो वो गलती जरूर अपनी मानते हैं लेकिन सोचते हैं कि शायद ये पार्ट ऑफ द गेम है और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, ये जरूर सोचते हैं कि मैं ये रिपीट नहीं करूं गलती, लेकिन अब ये स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो भी आउट हो सकता है। लेकिन राजकुमार सर, विराट के लिए बहुत कम ऐसी सीरीज होती है जहाँ पे वो बहुत कम गेंदे खेल रहे हो और उनका स्कोर जो है 10 के नीचे हो, अभी दो मैचों में वो सिर्फ 5 गेंदे खेल चुके हैं और दो जिसमें क्वार्टर ने उनको आउट किया है और उनके टोटल की बात करें तो 10 रन ही क्रॉस हुए हैं सीरीज में, उससे भी कम है। तो ये बड़ा थोड़ा सा आपको लग रहा है थोड़ा हैंगओवर है, T20 फॉर्मेट में इतनी जबरदस्त बैटिंग कर दी कि उसका हैंगओवर नहीं जा रहा है वनडे क्रिकेट में, थोड़ा सरप्राइजिंग तो है सभी के लिए और खुद विराट के लिए भी सरप्राइजिंग है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वो इतना फेलियर उनके ये बहुत बड़ा फेलियर लगता है क्योंकि और जल्दी आउट होना आगे सभी ये मानने लगते हैं अरे विराट कोहली ने रन नहीं बनाया, लेकिन ठीक है पार्ट ऑफ द गेम है और इसे बहुत अच्छा, मैं तो कहूंगा एक अच्छा साइन है कि बिना उनके भारतीय टीम अच्छा स्कोर कर रही है जिससे काफी खुश भी है विराट की, मैं अगर रन नहीं भी बना रहा हूँ तो लेकिन टीम अच्छा कर रही है तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे कि उनकी आदत है बाउंस बैक जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम रोहित शर्मा के फॉर्म की बात करें, एक बड़ा नॉक खेल के वो आ रहे हैं और के राहुल ने भी शतकीय पारी खेली, इसके अलावा अच्छी बात जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर भी रन बना रहे हैं, ये इस साल के आखिर में जाते जाते आपको लग रहा है नंबर 4 नंबर 5 की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती नजर आ रही, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से इंडियन क्रिकेट में कोई सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो इंडियन फास्ट बॉलर्स की या नंबर 4 और 5 बैटिंग ऑर्डर की। बिल्कुल राजीव, अब ये शायद गुत्थी सुलझती नजर आ रही है श्रेयस अय्यर और शर्पन जिस तरह की, क्या इंप्रेस किया आपको श्रेयस अय्यर की? श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे से एक्सेलरेट करते हैं अपनी बारी को और बिंदास अंदाज में खेल रहे हैं और जैसे अगर कप्तान का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर तो उसको पूरा वो एंजॉय करते हैं, वो चांस लेकर खेलते हैं और अभी तक बहुत कामयाब भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद अपनी जगह पक्की कर ली। प्रशांत, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है श्रेयस अय्यर की, वो कॉन्फिडेंस उनकी बातों में भी झलकता है, वो टीम के लिए भी उतना ही कॉन्फिडेंट बात कर रहे हैं, फोटो सेशन जो हमने देखा विराट के साथ वो भी बड़े कॉन्फिडेंट उसमें भी लग रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने बात की
सर उनका ये मतलब उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले बोला था, जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप उससे पहले था कि मैं नंबर 4 के लिए तैयार हूँ, मुझे ले सकते हैं। तो सर वो जो कॉन्फिडेंस है वहीं से बूस्टअप होना चालू हुआ था। और उन्होंने आज ये बोल दिया कि सर कि चाहे मैं सिंगल खेलूँ तो भी मैं आराम से खेल सकता हूँ, हिट मार तो भी मैं आराम से मार सकता हूँ, तो सर शायद हमें दूसरा युवराज सिंह मिल गया, ये कहना गलत नहीं है सर? ये 31 रन मारे सर इंडिया के लिए, रिकॉर्ड बनाए 31 रन एक ओवर में मारना वनडे क्रिकेट में, बिल्कुल राजीव। लेकिन युवराज के जो रिकॉर्ड थे या जो उनका स्टाइल था वो बहुत लाजवाब था, बहुत शानदार खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगी उन्हें युवराज से कंपेयर करना। बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे भी सर थोड़ी बात करेंगे, वो बैटिंग तो चली रही है, बॉलिंग इस सीरीज में उतनी असरदार नहीं रही है। आपको लग रहा है यजवेंद्र चहल की वापसी यहाँ पे हो सकती है, शार्दुल ठाकुर ड्रॉप हो सकते हैं और नवदीप सैनी, क्योंकि आप दिल्ली टीम से अभी आ रहे हैं, उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए वो रणजी ट्रॉफी के मैचेस की खासतौर से बात करें, आपको लग रहा है विराट उनको डायरेक्ट खिलाने का एक जुआ, क्योंकि स्पीड है उनके पास, ये जुआ वो ले सकते हैं? नहीं राजीव, अभी लास्ट मैच जो हम आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट खेले हैं तो वहाँ पर उन्होंने अच्छी वापसी की है, ओंगल में उन्होंने एक ही दिन में 27 ओवर डाले। अच्छा। और अच्छा तेज स्पेल डाला है उन्होंने, जबकि वो विकेट बाद में काफी फ्लैट हो गया था, लेकिन काफी जोर लगाया, तो उसी से शायद उसी परफॉर्मेंस से उनको इंडिया कॉल हुई है और मुझे आशा है कि शायद उन्हें 11 में खेलने का मौका मिले। एक साथ खेलते नजर आ रहे हैं, ऐसा हो गया दोनों के साथ, डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि दोनों अटैकिंग गेंदबाज हैं और जडेजा को जिस तरह लेफ्ट हैंडर्स वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं उनके लिए ब्रेड एंड बटर लग रहा है, जब जडेजा आते हैं सर ऐसे ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैच का अचानक पूरी पिक्चर चेंज हो रही है। बिल्कुल बड़ा सरप्राइज किया है, अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता कि जडेजा को एट विल कोई मारे, क्योंकि बहुत सटीक गेंदबाजी करते हैं, अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं वो, मतलब स्पिन में अगर आप देखें बहुत अच्छे वेरी करते हैं और उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी काफी लो होती है, तो उनको मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन शायद वेस्ट इंडीज ने बड़ा अच्छा होमवर्क किया उनके अगेंस्ट और बहुत कामयाब भी रहे हैं। सर एक सवाल मेरा ये था कि एनसीए में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे सर सवाल उठ खड़े हुए, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हार्दिक पांड्या और बुमराह जाने से मना, इतना बड़ा सेंटर है उस पर? डेफिनेटली ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अब मैंने दादा का स्टेटमेंट पढ़ा है सौरव गांगुली का कि मैं इंटरव्यू करूंगा, मैं देखूंगा कि ऐसी परेशानियां क्यों हो रही है, और ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि वो एक ऐसा सेंटर है जो अब कोचिंग से ज़्यादा रिहैब सेंटर बनकर रह गया था और वहाँ पर इस चीज़ में भी परेशानी आ रही है, तो ज़रूर ये चिंता का विषय है। लेकिन सर रिहैब मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज़ भी करके आ रही है, क्योंकि रिहैब की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की बैटिंग हमने वेस्ट इंडीज़ की देखी है वैसी बैटिंग मैंने पिछले 5-6 साल में वेस्ट इंडीज़ की नहीं देखी है। एक तो अच्छी बात है उनके वर्टन लुइस वापस आ गए, शाइयो बड़े अच्छे फॉर्म में, सर निकोलस पुरन और हेडमैर तीन लेफ्ट हैंडर जो चार टॉप चार में, बड़ा फर्क आपको लग रहा है डालेंगे इस कटक मैच में? बिल्कुल इन्हीं पे मैच डिपेंड कर रहा है, जिस तरह की बल्लेबाजी हेडमायर कर रहे हैं और उनका उनको आपको लग रहा है 70-80 के दशक का फ्लेयर नजर आ रहा है उनकी बैटिंग में, टेंशन फ्री बैटिंग जिस तरह की कर रहे हैं? डेफिनेटली ऐसे तो करते ये एक मैच्योर बल्लेबाज लग रहे हैं, मैच्योर हिटिंग कर रहे हैं, बहुत मैच्योर हिटिंग कर रहे हैं और एट विल मार रहे हैं, और हमेशा देखा गया है कि भारतीय गेंदबाजों को हमेशा लेफ्ट हैंडर्स को गेंदबाजी करने में मुश्किल होती है, और यही शायद ये होमवर्क करके आए हैं। आईपीएल में भी 9 करोड़ बिल्कुल, और अच्छी बात है कि आईपीएल में अच्छे रेट मिले, कॉटरेल को भी बहुत अच्छी प्राइस मिली है। कॉटरेल एज अ लेफ्ट हैंड सीमर कितना इंप्रेस आपको कर पाए इस सीरीज में, क्योंकि रोहित शर्मा अक्सर स्ट्रगल करते हैं लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा ने डोमिनेट सा किया है इस कॉटरेल के अगेंस्ट, और इसके अलावा किंगो पॉल एक और उनके गेंदबाज, और मुझे जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव गेंदबाजी लगी पिछले मैच में जो उनके पहली जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है पूरे सर मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा, और वो दिल्ली की बॉलिंग याद आ रही थी, 6-3 फील्ड लगा के कट वाली बॉल डाल रहे थे, आप इतना तेज आ रहे थे आप पुल भी नहीं मार सकते थे उनको, और 6 फील्डर ऑफ साइड में उन्होंने लगाए हुए थे, और ये ऐसा लग रहा है पुराना ट्रेडिशन हम एक बार दोबारा से देख रहे थे वनडे क्रिकेट में। काफी समय के बाद वेस्ट इंडीज एक बड़ी मैच्योर टीम लग रही है, जो कि वनडे क्रिकेट में किसी को भी सरप्राइज कर देगी, ऐसा नहीं कि वो आउट होते चले जाएंगे या उनके पास गेंदबाजी ऐसी है कि आप हर ओवर में मार दोगे उनको, उनके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कॉटरेल बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेंदबाज नहीं है लेकिन अपनी लिमिटेशन जानते हैं और उसी लिमिटेशन में वो गेंदबाजी करते हैं, तो कुल मिला के एक अच्छी यूनिट की तरह खेल रही है, एक अच्छी टीम की तरह वेस्ट इंडीज खेल रही है, और इसीलिए सरप्राइज भी किया उन्होंने भारत को। आपको लग रहा है रोहित शर्मा ने बड़ी तारीफ की थी प्रशांत ग्रैंड बुलाट की कि बहुत अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है उनके पास, क्योंकि मुंबई इंडियंस से वो खेलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, इस सीरीज में क्या ग्रैंड बुलाट ऐसे कैप्टन आपको लग रहा है थोड़ा इवॉल्व करते नजर आए, थोड़ा सा उन्होंने पोटेंशियल दिखाया, क्योंकि एक एज फैक्टर की बात करें तो बहुत लंबे अरसे के बाद उनको कप्तानी दी गई।
सर वो एज फैक्टर शायद उनका हेल्पफुल एक्सपीरियंस जो बोलते ना सर, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस साथ में लेके चलोगे उतना ज्यादा कमाल कर सकते हो। T20 को हटा दे तो सर वनडे में तो शानदार ही करा सर उन्हें एज ए कैप्टनसी, जिस तरह से कि गेंदबाजों को कहाँ गेंदबाजी करानी, किसके खिलाफ कौन सा गेंदबाज आएगा, बल्लेबाजी में क्या ऑर्डर होगा, वो सब कैरन बॉलर का शानदार है सर। करीब इसमें वेस्ट इंडीज की सफलता में मैं बहुत बड़ा हाथ इस कैरन बॉलर का मानूंगा, क्योंकि वो जानते हैं, भली भांति जानते हैं भारतीय विकेट्स को, भारतीय ग्राउंड्स को और भारतीय खिलाड़ियों को, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस का उन्होंने फायदा उठाया है और उन्हें पता है कि कब किससे गेंदबाजी करानी है, किस ऑर्डर में किस बल्लेबाज को भेजना है, तो बहुत उसका फायदा हुआ है आईपीएल खेलने का पोलार्ड को। तो प्रशांत आखिरी सवाल, कांटा लगेगा कटक में या उस काली छाया से निकलती नजर आएंगे हमारे भारतीय बल्लेबाज? सर कांटा फंस सकता है, कांटा फंस सकता है लग रहा है सर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, भारत बहुत अच्छे से तैयार है, सरप्राइज किया था पहले मैच में जरूर, लेकिन अब बाउंस बैक किया है भारत ने और अब जानते हैं कि हमें मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। पहले मैच में थोड़े से कॉम्प्लेसेंट दिखे थे कि हम वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं बड़ा इजीली, लेकिन अब वो जानते हैं कि वेस्ट इंडीज एक अच्छी टीम है तो पूरी तैयारी के साथ भारत। आपको लग रहा है रचमा जी विलियम्स को हटाना वेस्ट इंडीज की गलती थी? विराट विलियम्स ने जो इस पूरे दौरे का मजा क्रिएट किया था T20 सीरीज में, वो रहना चाहिए था वनडे क्रिकेट में, वो पंप, अब विराट कोहली हर मैच में पंप अप नजर आते हैं, उनको लग रहा है ये हाथ से सीरीज निकल सकती है, वो डर नजर आता है विराट की बॉडी लैंग्वेज में, और इसीलिए शायद विराट का वो पुराना एग्रेशन जो कहते थे एग्रेशन अब नहीं दिखाना चाहता, वो एग्रेशन साथ जाते थे वापस आया उनकी बॉडी लैंग्वेज में। बिल्कुल, और बड़ा अच्छे से विलियम्स ने उनको एक दो बार चुप कर रहा है, कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ ऐसे कहते हैं कहा खत लिखे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े दिन बाद ऐसा कुछ देखने को मिला था क्रिकेट के मैदान पर, होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, सबके लिए एंजॉयमेंट है, और विराट एक ऐसे खिलाड़ी है जो पंप अप होते हैं इन सब बातों से और उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, तो वो भी शायद मिस कर रहे होंगे। तो चलिए, लेकिन हम सब तो यही चाहते हैं कि हम लोग साल के आखिरी मैच में जीत को मिस ना करें, भारतीय टीम जीते और साल का समापन जीत के साथ हो। प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया, राजमा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया न्यूज पेज को आप सब्सक्राइब करना ना।